नमस्कार दोस्तों, आज बहुत अच्छी रेलवे ट्रिप के लिए आपका स्वागत है। उन्नत नस्ल की गाय यहाँ पर है, नई डेयरी है, इसमें हरा चारा उन्नत किस्म के मशीन द्वारा काटा जा रहा है। बहुत तेज़ी से चारे की कटाई मशीन करती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में चारा काटा जाता है, क्योंकि बड़ी डेयरी में अच्छा चारा मशीन अच्छी क्वालिटी की होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूध को संरक्षित रखने और बोतलों में भरकर भिजवाने का प्रबंध हो रहा है। जो बोतल होती हैं कांच की, उनकी साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। काफ़ी इसमें कार्यकर्ता लगे होते हैं जो दूध की बोतलों की साफ़ सफाई करते हैं। और यहाँ पर दूध को संरक्षित रखने की मशीन लगी हुई है। यहाँ पर दूध को संरक्षित रखा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में दूध की ख़राब होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो ऐसे में इसकी व्यवस्था होना ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा लागत आती है, लेकिन ये व्यवस्था अगर नहीं होगी तो फ़ायदा कहाँ से होगा। और दूध को घर घर पहुँचाने के लिए बोतल साफ़ की जा रही हैं, बोतल साफ़ सुथरा करके इनको सील पैक करके घर घर पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे लोगों को शुद्ध और रासायनिक पदार्थ रहित अच्छी क्वालिटी का दूध मिल सके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारा भूसा रखने की व्यवस्था, लेबरों को रुकने की व्यवस्था है, साथ में यहाँ पर चारा रखने की व्यवस्था है, पशु आहार रखने की व्यवस्था है, और एक चारा मशीन है उन्नत किस्म की। आगे देखते हैं गायों के बैठने की व्यवस्था के लिए टेंसेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय है। यहाँ पर जर्सी, फ्रीजियन, होलस्टीन फ्रीजियन किस्म की गाय हैं, साहिवाल हैं, गिर हैं, शंकर किस्म की गाय हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत उन्नत किस्म की गाय है। कुछ समय बाद इसमें जो है दूध अभी से टपक रहा है, जबकि बच्चा बाद में देने वाली है। तो इस तरह से दूध इतना ज़्यादा हो जाता है कि दूध टपकने लगता है। ऐसी गाय को रखना बहुत ही दुष्कर काम होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लोग हंसी खेल समझते हैं, लेकिन इनको पालना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं तो इसमें फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है, जानवरों को नुकसान होता है, तो बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले ही दूध लगातार जानवरों में टपकने लगता है, और अभी आने वाले समय में और भी समस्याएँ आएँगी। अच्छे किस्म के जानवरों में इस तरह से समस्याएँ देखने को मिलती हैं। बहुत ही उन्नत किस्म की गाय आप देख रहे हैं, उन्नत किस्म की गाय है। इस डेयरी में हमारी जो डेयरी है बहुत ही अच्छी डेयरी बनाई गई है, इसको नए तकनीक से व्यवस्थित किया गया है। गायों के रखने की व्यवस्था है, आराम कर रही गायें गर्मियों में। साथ में जो टीन सेट है बैठने के लिए, इसमें देखिए मैट लगी हुई है जिससे जानवरों को नुकसान ना हो, आराम रहे। नीचे मैट बिछाने की व्यवस्था होती है, और ऊपर जो होता है काफ़ी ऊंची टीन सेट लगी हुई है जिससे गर्म हवा ऊपर निकल जाए और नीचे ठंडक महसूस हो। ऊपर देखिए गर्म हवा निकलने की व्यवस्था की गई है, बहुत ही आधुनिक तरीके से टीन सेट बनाया गया है। साथ में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है वेंटिलेशन की कि जानवरों को गर्मी ना लगने पाए, क्योंकि इन जानवरों को गर्मी लगना या ठंडी लगना दोनों ही खतरनाक हो जाता है। तो गर्मी न लगने पाए इसीलिए टीन सेट काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था की गई खान पान की यहाँ पे जानवरों की, तो इसमें पानी की भी व्यवस्था की गई है, साथ में जानवरों को अलग रखा गया है, खुले में रखा गया है, खुले जानवर रहते हैं और अलग अलग किस्म के जानवर हैं, अलग अलग किस्म की गायें हैं, बहुत ही उन्नत किस्म की गायें हैं। तो इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि साहिवाल, जर्सी, होलस्टीन फ्रीजियन, गिर अच्छी अच्छी किस्म की गायें हैं, और एक चारा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पे चारा डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, जानवरों को दिया जाता है। साथ में यहाँ पे काफ़ी लोग लगे हुए हैं इस काम को करने के लिए, क्योंकि कम लोगों के बस की बात ही नहीं है। ज़्यादा जानवरों को अगर हम रखते हैं, 150-200 गायें अगर हैं गिर का, तो उनको रखने के लिए भी कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आधुनिक मशीनें दूध दुहने के लिए भी अच्छा बचिया, क्योंकि दूध दुहना भी बहुत दुष्कर कार्य है।
और साथ में आप देख रहे हैं कि गिर नस्ल की जो बछिया होती है, ये बछिया एक है बहुत ही गिर नस्ल की है, बहुत ही शांत गाय होती है, बहुत ही सीधी गाय होती है, इसकी बछिया है। तो बछिया हम देखते हैं बहुत ही अच्छी बछिया है, इसको बुलाते हैं और बहुत ही सिधाई से आ रही है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे जानवर आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी गायें हैं, उन्नत किस्म की गायें आपको दिखाई देंगी। दुग्ध पालन अगर उन्नत ढंग से किया जाए, डेयरी का काम किया जाए तो बहुत ही लाभ है, लेकिन इसमें व्यवस्था करने के लिए भी काफ़ी लोगों की ज़रूरत है और काफ़ी अनुभव की ज़रूरत है। ऐसे में काफ़ी लोग काम करते हैं लेकिन वो लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि अगर आधे अधूरी जानकारी से काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा की जाए नुकसान होने की बहुत संभावना रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब गाय हैं जो अलग अलग कुल्लर हैं, कुछ जो है यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो इस किस्म की गायें बहुत ही सीधी होती हैं, हालांकि ये जो बंधी हुई लग रहा है बहुत ही आराम से बंधी है, लेकिन अगर खुले में जाती हैं तो बहुत तेज़ी से भागती हैं। यहाँ पर तो चारों तरफ से सब बंद है, यहाँ पर खुली हुई घूम रही हैं, लेकिन बाहर जाकर अगर एक खुले में भागे तो बहुत तेज़ी से भागती हैं। बहुत ही अच्छी गायें हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छी किस्म की गायें हैं। तो इधर वाली का है सब छुट्टा है, इधर वाली चारे की व्यवस्था की गई है, उधर वाली अच्छा उधर छुट्टा है, अलग अलग रंगों में है। अच्छा तो देसी है, कहाँ से आएगी देसी, कैसे आएगी? रह दे। अच्छा बहुत ही देसी है, तो अच्छा बढ़िया है, हो देसी हो। टैग लगा हुआ है, गायों का बीमा भी करवाना जरूरी होता है, हालांकि कोई दुर्घटना होने पे नुकसान बहुत होता है। ये देखिए कितने प्रेम से गायें रहती हैं, क्या है, बहुत ही आराम से रहते हैं, रड़ते झगड़ते नहीं है। सींगों को पहले ही दाग दिया जाता है जिससे सींगे ना हो, आपस में लड़ाई भी करें तो चोट ना लगे, पहले ही उसको सींगों को दागना पड़ता है। तो बहुत ही आराम से गायें रहती हैं। वो गैवा के तो दूर बात है जो किनारे हैं। अच्छा क्या है, भागने वाली बच्चा बछिया नाती न्याय का यह बढ़िया फ्रीजियन लागत है, यह सफेद वाली। सब लागत फोटो खिंचवाओ थे वो, सब लागत फोटो खिंचवाओ। हमारे यहाँ डेयरी है, तो इधर वाले खाने के टाइम इधर आएंगे। आए
वाली गाड़ी है ये।